एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 2, टू इक्वेशंस दी गई हैं जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 को हमने स्टडी किया था। अगर ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ऐसे मेरे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छे तरीके से उसका लेक्चर नहीं अटेंड किया, तो प्लीज़ पहले उसका लेक्चर्स आप अच्छे तरीके से देख लें ताकि आपको क्वेश्चन नंबर 2 में और आने वाले तमाम क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 3x-2y = 1, इसको हमने मसावात नंबर ए कह दिया, जबकि दूसरी जोन सी है x^2 + x + -y^2 = 1, ये हमारे पास क्या आ गई, क्वेश्चन नंबर 2। आपने आसानी से, जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी किया था, जिसमें से आसानी से हमारी कीमत निकल सकती है, आप निकाल लें उसमें से। अब क्वेश्चन नंबर 1 में से आसानी से हमारी क्या निकल सकती है, एक वैल्यू निकल सकती है। आइए देखते हैं, यहाँ पे -2y था, दूसरी तरफ आके +2y हो गया, x के का 3 जोन सा ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो गया, ये हमारी x की कीमत आ गई। अब हमने ये वाली कीमत किस में दर्ज कर देनी है, दूसरी मसावात में, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे x + 2y / 3, ठीक है, यहाँ पे हमने लगा दिया, यहाँ पे भी हमारा x है तो हमने लगा लिया, y वैसे ही रहेगा -y^2 वैसे ही = 1 वैसे ही। फिर आपने क्या करना है, 1 + 2y / 3 है, यहाँ पे आपने इसका मरब्बा खोल देना है, स्क्वेयर खोल देना है, ठीक है। ऊपर एक हमारा क्या बन जाएगा, कुलिया बन जाएगा, पहली रकम का मरब्बा जमा दो कुलिये वाला, पहली रकम दूसरी रकम जमा दूसरी रकम का मरब्बा, ठीक है। यहाँ ऊपर क्या हमारा एक फॉर्मूला ओपन हुआ है, अब नीचे 3 का जो मरब्बा है वो 9 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारा y बाहर है तो y अंदर ज़रब हो जाएगा, y 1 से ज़रब होगा y आ जाएगा, जब y y से ज़रब होगा y की 2 आ जाएगा, और बाकी -y^2 वैसे ही रहेगा बराबर 1। अब आप यहाँ से दोनों तरफ 9 से मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप जाफकल लेके भी आप इसको हल कर सकते हैं, दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा, सवाल करने का, रियाजी को करने का काफ़ी मेथड्स होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। ये नहीं कहना कि इस सवाल के अंदर ये हो रहा है तो ये, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे अगर आप जो जाफकल लेके करेंगे ना तब भी आपका यही जवाब आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने 9 से तमाम तरफ, मतलब दोनों तरफ क्या कर दिया है, 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 9 से 9 कट गया, यहाँ पे 9 3 * 3 = 3 3 9, यहाँ से 9y^2 से ज़रब, यहाँ पे 9 * 9 आ जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या, 1 + 4y^2 + 4y + 3y + 6, 3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3y आ जाएगा, +2 3 * 2 = 6y^2 और -9y^2, ये हमारे पास बचेगा, जो रिमेनिंग हमारे पास बचेगा। प्लस माइनस करने के बाद फिर आपने क्या करना है, ये हमारे पास चीज़ बचेगी y^2 + 7y - 8, यहाँ पे बिल्कुल तजजी करेंगे, तजजी करने से हमारा ज़रब करने से 8 जमा मनफी करने से जमा का 7, 8 और -1 आएगा, ठीक है। अब पहले दो में से कॉमन y आ रहा है तो y + 8 बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा, -1 अगर कॉमन लेते हैं तो y + 8 बच जाएगा। फिर आप y + 8 और y - 1, हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए हैं, तजजी करने से यहाँ से y की कीमत निकाल लेंगे, y + 8 = 0 है, ये 8 का प्लस है तो दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, ये y - 1 है दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा। अब ये वाली जो कीमतें हैं y की, ये वाली कीमतें हमने किस में दर्ज करनी है, जिसमें से हमने x की कीमत निकाली थी, ठीक है, वो हमारे पास ये चीज़ थी जिसमें से निकाली थी, यहाँ पे जहाँ पे y है -8 दर्ज कर देंगे, ये -16 हो जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे -15, जब काटेंगे 3 * 3 = 3 = 5 = 15, -5 हमारा जवाब आ जाए। दूसरी तरफ हमने y की जगह पे 1 दर्ज करेंगे तो हमारे पास 2 * 1 = 2, 3 आ जाएगा, 3 को 3 कट्स कर देंगे 1 आ जाएगा, तो रूट्स किस तरह बनेंगे, जिस तरह सवाल नंबर 1 में हमने बनाए थे, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कि x की वैल्यू उसकी -y है, हमने दर्ज कौन सी की थी, -8, तो ये एक रूट बन जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, y की कौन सी वैल्यू दर्ज की थी हमारी, x की आई है वो हमने 1 दर्ज किया था, तो 1 और 1, ये हमारा आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है। बच्चों आपने क्वेश्चन नंबर जोन सा 3 है वो खुद कोशिश करनी है करने में,
उस वो भी बिल्कुल इजी है। इसी तरीके से आपने पहली जो सी मसावात इसमें से कीमत निकाल लेनी, दूसरी में दर्ज कर देनी है। इसी तरह से हल करते जाएंगे तो वो आपको इजीली समझ आ जाएगी। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को अच्छे तरीके से पहले प्रैक्टिस करें, फिर देन क्वेश्चन नंबर 3 पे आप इसको ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।